हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कीमा बनाने की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिए था ताकि आप लोग सारे स्टेप्स को समझ सके। तो इस रेसिपी में मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी कीमा बनाने की, जिससे आपका जो कीमा है वो मज़ीद जायकेदार हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग एंड पर मुझे कमेंट्स में लास्ट भी बता दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है तकरीबन 1 किलो, और उसको मैंने पानी में डालकर तो बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कीमा अच्छी तरह से धुला हुआ है। आप लोगों ने भी कीमे को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास है प्याज, मैंने 2 लिए थे, और साथ में जो गार्लिक था मैंने उसको क्रश भी नहीं किया और ग्राइंड भी नहीं किया। यहाँ पर मैंने नमक मिर्च ऐड करी, उसको क्वान्टिटी में हमेशा दिखा देती होती हूँ बताने के बजाय, क्योंकि कुछ लोग आधा किलो बनाएंगे, कुछ लोग 1.5 किलो बनाएंगे। तो आप लोग इसी क्वान्टिटी को जो स्पाइसेस की मैं ले रही हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को मैंने कीमे के अंदर डाल दिया, और उसके अंदर ही मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया। इसको मैं अब अच्छे से हिलाकर तो कवर होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अब हमने कीमे को अच्छी तरह से पका लेना है। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर ऐसे बीच में से कट लगा कर रख दूँगी। कुछ टाइम के बाद जब ये नरम हो जाता है तो तब उस टाइम पर मैं इसका ऊपर से जो कवर है, जो इसका छिलका है, उसको मैं उतार दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर खाना बनाने वाले 2 चम्मच ऐड कर दिए थे, पर वो वीडियो से स्किप हुआ तो यहाँ पर कम था, फिर मैंने और ऐड करके आपको दिखा दिया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लूँगी, और बस कुछ ही देर में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी, बिकॉज इसको मज़ीद पकाना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें अच्छे से जो जायका है वो आ जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कीमा रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से भून लिया, इसके अंदर जितना भी पानी था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर आपको जब ऑयल नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये रेडी हो चुका है। तो ये है इसकी फाइनल लुक, ये बहुत ही मज़ेदार बना था, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी कीमा बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।